मदीने में अबू बकर सिद्दीक रोज रात को जाके उसके घर का काम काज करके आते। काम बताऊं क्या था उसका, याद रहे आप लोग? उस जमाने में ना लोग बाथरूम घर में बना लेते थे, शायद पुराने लोगों ने देखे हों, वो उसके अंदर ही पेशाब पखाना रहता था। वो आते थे मुलाजम तो वो उठा के बाहर फेंका करते थे। वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नबीना है, वारस कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते, फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बीड़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जरूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े जमाना खिदमत की। एक दिन हजरत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी। उसने कहा कौन है दरवाजे का? मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खताब हूँ। पता चला है आप लवारस हैं, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूँ। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से, वो कर रहा है मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हजरत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दें। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हजरत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे, कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खताब हूँ, अपना नाम बता रहा है, सालों हो गए मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूँ, तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आके कह रहा है उमर बिन खताब हूँ, तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम कराना, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ ओ मुसाफर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूं तो पैरों में आवाज पैदा होती है जूते की वजह से, पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले, तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लग जाए। छोड़ मैं कब से आ रहा हूँ, किस वक्त से आ रहा हूँ, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े, पर उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों।